हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब तो धीरे धीरे आप रिदम में आ गए होंगे पढ़ाई के और हर चीजों को आप समझने लगे होंगे। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं। आज की टॉपिक जो हमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएम, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्तक। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, बड़ा ही उपयोगी कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएम, क्योंकि इसका उपयोग हर जगह होता है। हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे हम संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। इतना ही नहीं, एलसीएम एचसीएफ का लेवल हम इतना ऊपर तक ले जाएंगे कि बड़े से बड़े एलसीएम और एचसीएफ को आप मुंह जबानी आंसर दे पाएंगे, जिसमें आपको पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी। वो आज हम देखने वाले हैं, लेकिन इस क्लास में आप लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ कितने सारे क्वेश्चनों में आपको ये मदद करने वाला है। आते हैं ज्यादा बात न करते हुए सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, मतलब हमारी टॉपिक क्या होगी? टॉपिक हमारी होगी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, थोड़ी सी बात करते हुए हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एलसीएम का जैसा आप फुल फॉर्म जानते हैं, इंग्लिश में होता है लोवेस्ट या लिस्ट बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन एम फॉर मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं। अगर हिंदी में इनको हम कहें तो इसे कहते हैं लघुत्तम। क्या कहते हैं भाई? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। बात इतनी समझ में आपको आई कि एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। हम बात करने वाले हैं बिल्कुल इसके छोटी से छोटी बात, इसके छोटी से छोटी शब्दों का क्या मतलब है, सारी चीजों को बात करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लोवेस्ट, पीछे से बात करते हैं कॉमन मल्टीपल, पीछे से बात करते हैं। पहला चीज आते हैं मल्टीपल क्या चीज है। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये नाम आता है मल्टीपल, या जिसको हम कहते हैं समापवर्त। क्या कहते हैं? सॉरी, अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। या इसका नाम कह सकते हैं गुणज होता है। क्या होता है? गुणज होता है। ध्यान से बात को समझिएगा, अपवर्त या गुणज, अपवर्त या गुणज कहते हैं। गुणज शब्द से ही लग रहा है कि ये गुणा करने पे आता है। क्या करने पे आता है? गुणा करने पे आता है। जैसे हम किसी नंबर का समापवर्त आपसे पूछते हैं या अपवर्त आपसे पूछते हैं, तो अपवर्त में आप क्या करते हैं, उस नंबर का टेबल पढ़ने लगते हैं। हम जितने अपवर्त पूछते हैं, जैसे छोटी सी बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पे छह हो और क्या हो? आठ हो। छह हो और आठ हो, आपसे कहा जाए कि छ के अपवर्त। क्या कहा जाए? कि छ के अपवर्त, छ के अपवर्त आपसे। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सिखाने हम जा रहे हैं एलसीएम निकालने का, आठ के अपवर्त। क्या? आठ के अपवर्त, छ के अपवर्त, आठ के अपवर्त। छह के अपवर्त का मतलब हो गया छह का टेबल पढ़ना है। छह, छह दुना के 12, छह त्री 18, छह चौको 24, छह पचे 30, छह छाए 36, छह सते 42, छह अठे 48, डाट 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 आगे आप टेबल पढ़ते जा सकते हैं। उसी तरह से हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8, 8 टू जा 16 होता है, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा आपका होता है 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, डट 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 आगे जा सकते हैं। मतलब आप ये अब जान गए कि अपवर्त किसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसी पे बन जाता है कि पांच के प्रथम अपवर्त का औसत बताइए, पांच के प्रथम अपवर्त का औसत बताइए। यदि वहां पे आप अपवर्त का मतलब नहीं जानते होंगे तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो अपवर्त का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपवर्त का मतलब होता है कि जितना किसी संख्या का अपवर्त पूछेगा उतना बार उसका हम क्या कर देंगे,
टेबल पढ़ देंगे। लेकिन यहां दो बात और इंपॉर्टेंट निकल के आई कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त खुद वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, छह का सबसे छोटा अपवर्त खुद छह है, आठ का सबसे छोटा अपवर्त खुद आठ है, और सबसे बड़ा अपवर्त पूछेगा तो नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि आप 48 देख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार और टेबल पढ़ेंगे अगर 6 का तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और आगे पढ़ेंगे 60 आ जाएगा, और आगे पढ़ेंगे 66 मतलब 66 आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे अब 72, मतलब टेबल 6 का पढ़ते जाएंगे तो सबसे बड़ा आपको अपवर्त नहीं मिलने वाला है, बट सबसे छोटा अपवर्त मिल जाएगा। लेकिन जब भी इनसे बात आती है अपवर्त, अपवर्त जब भी पूछेगा तो कहेगा कि इसके प्रथम 5 अपवर्त बताइए, इसके प्रथम 10 अपवर्त बताइए, बोलेगा वहां पर। ठीक है, अपवर्त आपने निकाल लिया, अब अगला शब्द क्या था, अपवर्त का मतलब आपने समझ गया, अगला शब्द क्या है, कॉमन मल्टीपल। क्या है गुरु, कॉमन मल्टीपल। आइए कॉमन मल्टीपल की बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की बात समझाने जा रहे हैं आपको, आप समझिएगा। इसके कहते हैं समापवर्त। क्या कहते हैं भाई, समापवर्त। ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन मल्टीपल की बात आप समझने जा रहे हैं, कॉमन मल्टीपल की बात समझने जा रहे हैं, मतलब समापवर्त की बात समझने जा रहे हैं। ये भाई अब समापवर्त क्या होता है, थोड़ा सा देखिए यहां पर हम संधि विच्छेद कर दें तो यह आ रहा है समधन अपवर्त, समधन अपवर्त। बात समझ में आ रही है, समधन अपवर्त। अब इसका मतलब यह है कि अपवर्त, अपवर्त में जो समान हो, अपवर्त में जो समान हो, कहने का मतलब मैं ऊपर से ही इनको अब इंक्लूड कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, अभी आपसे कोई कहे कि 6-8 का समापवर्त बताइए, 6-8 का समापवर्त मतलब 6-8 का कॉमन मल्टीपल कोई आपसे पूछ दे, 6-8 का कॉमन मल्टीपल पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे आप, 6 का लिखेंगे मल्टीपल जैसे ऊपर लिखा गया, 8 का लिखेंगे मल्टीपल, उसके बाद क्या करेंगे, मैं वो डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे 6-8 का कॉमन मल्टीपल आपने ऊपर लिख रखा है अपवर्त, अपवर्त लिख रहा है तो यहां पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब 6-8 का कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब क्या समझते हैं, जो दोनों में हो, वो ऐसे मल्टीपल जो दोनों में हो, मतलब 6-8 के ऐसे गुणज, 6-8 के ऐसे अपवर्त जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए 6-8 का ऐसा कौन सा गुणज है पहला जो दोनों में दिखाई दे रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे 6-8 का पहला गुणज क्या है, 24, क्या है 24, एक ऐसा नंबर आप देखे होंगे जो 6 के टेबल में भी और 8 के टेबल में सबसे पहले आया है। क्या किया, वो सबसे पहले आया है। अगर एक बार 6-8 का आपको अपवर्त मिल जाए, समापवर्त एक मिल जाए, तो फिर आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसी का टेबल आप पढ़ दीजिए या फिर आगे खोजेंगे, आप देखेंगे दोनों में क्या मिलेगा, 48, क्या मिलेगा 48, और आगे अगर टेबल पढ़ते जाएंगे तो 72 मिलेगा। इसलिए जब कभी किसी नंबर का समापवर्त आपसे पूछा जाए तो उनकी एक यदि आप समापवर्त पा जाते हैं और आगे के समापवर्त निकालने के लिए कहे तो केवल उसके आप क्या कर देते हैं, टेबल पढ़ देते हैं, तो 24, 48, 72, 96, 120 डॉट डॉट डॉट। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्या आता है, ये भी पूछ देता है कि 6 और 8 के प्रथम 5 समापवर्त का औसत बताइए, प्रथम 5 समापवर्त का योगफल बताइए। तो समापवर्त पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले उनके हम अपवर्त निकालेंगे, और अपवर्त निकालने के बाद उनमें पहला कॉमन अपवर्त देखेंगे, 2 ठो रहेगा तो 2 ठो, 3 ठो रहेगा तो 3ों में देखेंगे, 4 नंबर रहेंगे तो 4ों में देखेंगे, और उसके बाद जब पहला हमको कॉमन अपवर्त मिल जाएगा उनके, तो उसका टेबल पढ़ देंगे, वो उनके हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल, मतलब समापवर्त। अब समापवर्त के बारे में आप जान गए। अब अगला शब्द क्या होता है, पूरा एक साथ मिला के जरा देखिए, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या आ गया ग्रुप, मेन टॉपिक पे आ गए आप अपने, क्या आ गए, लघुत्तम, लघुत्तम। अगर हिंदी में इंग्लिश में मैं बात कर दूं तो इंग्लिश में बात हो जाएगी लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समाप
वर्त्य, लघुत्तम समाप वर्त्य। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे बात बन गई। आपसे कह रहा है कि आप 6-8 का लस बताओ। 6-8 का लस क्या भाई? 6-8 का लस। यदि आपसे 6-8 का लस पूछेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए कहानी कहां शुरू होगी, यहां से शुरू होगी कि 6 का अपवर्त लिखेंगे, 8 का अपवर्त लिखेंगे, फिर उनके हम कॉमन अपवर्त लिखेंगे। लिख लिया शब्द, क्या बोला? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये कॉमन मल्टीपल था 6-8 का, जो कॉमन मल्टीपल आया है उसमें जो सबसे लोवेस्ट है वही वो 6-8 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या 6-8 का लस हो गया। तो सबसे छोटा कौन है भाई? 24। कौन सबसे छोटा है? 24। तो 6-8 का एलसीएम क्या हो गया? 24। इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? इनको नोट करिए, मैं आगे इसको और बढ़िया से बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। ऐसे जो मेथड आप सीखे हैं, ये कौन सा मेथड जानते हैं? एलसीएम निकालने का अपवर्त मेथड, और एलसीएम निकालने का मल्टीपल मेथड है ये पहला मेथड। मैं 3 तरीके से एलसीएम आपको बताऊंगा, और ये जो पहला मेथड आपने सीखा है बड़े काम का मेथड है, ये आपको मुझबानी आंसर देगा। कैसे देगा मैं अभी बताता हूं, इसको आप नोट करें। हाँ दोस्तों, अभी हमने जो बात की एलसीएम निकालने की, वो मेथड हमारा कौन सा था? मल्टीपल मेथड। ऐसे ऐसे एलसीएम निकालने के 3 मेथड होते हैं, मैं आपको तीनों मेथडों का पहले तो नाम बता दूं। देखिए एक हमारा होता अपवर्त्य तरीका ना, अपवर्त्य विधि। अपवर्त्य विधि से हम क्या निकालते हैं? अपवर्त्य विधि से हम लस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपवर्त्य विधि से लस निकालते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। किससे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसके बाद जो हमारा तरीका आता है जी, इसके बाद तरीका आता है उसको आप कहते हैं भाग विधि, या क्या कहते हैं? क्षैतिज आप भाग दे दे के करते हैं, आप कह सकते हैं डिवाइड मेथड। भाग, ठीक है, डिवाइड मेथड। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। इसमें जबरदस्त तरीका जो ये दोनों है, बट आप क्या करते हैं इससे जानते हैं लगाना, और आपको लगता है कि हम बहुत आसान तरीके से लगाते हैं। तो भाई वो सबसे खराब तरीका है, और उससे आप बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। आइए मैं सिखा रहा हूं अभी आपको। इस विधि से मैंने अभी आपको बताया पूरी बात, अब मैं इस विधि से बताने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं इस विधि से भी बताऊंगा। आइए, छोटे क्वेश्चनों में लेके समझा रहा हूं, बस समझाने का मतलब है कि आपको बात समझ में आ जाएगी छोटे क्वेश्चन में, फिर बड़े क्वेश्चनों में कैसे हम इनको उड़ाएंगे आप देखेंगे। और देखिए कैसे जबरदस्त जबरदस्त आपके एलसीएम बड़े बड़े होंगे, बट आंसर बिना पेन चलाए आप निकालेंगे। देखते देखिए, जैसे आपने 6-8 का एलसीएम अभी निकाला, कितना है? 24 है। अब आपको कोई ये कहे, किससे कहे कि इसको आप किस मेथड से निकालो? आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, आप गुणनखंड विधि से निकालो। चलो भैया गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ये है गुणनखंड विधि। ठीक है, आ जाओ गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। आपके पास 6 होता है तो 6 का आपको फैक्टर करना होता है, 8 होता है तो 8 का फैक्टर। छोटे नंबर है तो फैक्टर आप ऐसे कर लेते हैं 2 × 3, वरना आप रो में रख करके उनको काटते हैं। 8 का आप फैक्टर कर लेते हैं 2 × 2 × 2। मैं क्या बताता हूं, ये फैक्टर करने के बाद इनको पावर के रूप में लिखना शुरू करें। किस रूप में? पावर के रूप में। कैसे भाई? 2 1 है तो 2 के पावर 1, और 3 1 है तो 3 के पावर 1। उसी प्रकार से 2 कितने यहां पे है तो 2 के पावर 3, तो 3 दिख रहे हैं तो 2 के पावर 3। अब यहां पे आप एलसीएम लिखने जाएंगे कि एलसीएम ऑफ 6 और 8, मतलब 6 और 8 का लस। एलसीएम ऑफ 6 और 8 मतलब 6 और 8 का लस। अब जब लस निकालने जाते हैं, फैक्टर जो आपने कर दिया है और उन्हें इंडेक्स के फॉर्म में घात के रूप में जो लिख दिया है, तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे वो नंबर जो सबसे छोटा है दोनों, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो नंबर देखते हैं जो दोनों में दिख रहा हो या दोनों में नहीं दिख रहा हो लेकिन सबसे छोटा, वहां शुरू करेंगे। जैसे 2 पकड़ लिया, अब 2 का देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ा भाव कौन है। 2 का जैसे 2 पकड़ लिया, तो 2 का दोनों में 2 है तो 2 में 3 है तो 3 में 4 है, तो चारों संख्याओं में सबसे बड़ा पावर क्या, तो सबसे बड़ा पावर क्या देख रहे हैं? 2 के पावर 3। चलिए अब 2 की बात खत्म, 2 की बात अब दोबारा नहीं करेंगे।
अब पकड़ लिया तीन को, तीन का देखते हैं, तीन दोनों में हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है, मतलब यह है कि उसका बड़ा पावर क्या है। तो तीन का बड़ा पावर क्या है, तीन के पावर एक ही। तो इसी बताइए, दो के पावर तीन का मान क्या होता है आठ, और तीन के पावर एक का मान क्या होता है तीन, और आठ तीन के क्या हो गया 24। ये भी बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे तो बहुत बड़े बड़े सवालों को हम उड़ा देंगे। हमने जो पहला मेथड पढ़ा अपवर्त, उसमें तो एक लिमिट है, वहां तक आप टेबल जहां तक जानते हैं वहां तक उड़ा देंगे, बट इसमें तो आप बड़े बड़े सवालों को उड़ा देंगे, और ये बहुत सबसे अच्छा तरीका यही होता है। इससे आप अगर एससीएफ निकालना, एलसीएम निकालना जानेंगे तो समझिए कि बहुत ही तेज गति से एलसीएम निकालेंगे। चलिए ये तरीका हो गया। अब मैं तीसरा तरीके की बात करता हूं, डिवाइड मेथड, जिसको आप कहते हैं भाग विधि, और उस सबको देखते हैं, उससे आप निकालते हैं, आप ऐसे लिख लेते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, और इनको एक साथ काटना शुरू करते हैं। आप ढूंढते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों को काट दे या किसी एक को काट दे। तो दो है, दो तीन छह और दो चौक बार, फिर ढूंढते हैं कि दो से कौन कट सकता, या फिर आप तीन चौक को बारह दुना 24 कर देते। तो दो से कौन कट सकता है भाई, चार कट सकता, तो हो गया। फिर दो से तीन कट गया एक, फिर तीन से कौन कट गया एक कट गया, एक हो गया। अब आप लिखते हैं कि छह आठ का लसर, क्या लिखते हैं छह आठ का लसर, क्या लिखते हैं भाई लसर में, ए सीधे सीधे लिख लेते हैं कि दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई तीन। तो दो दुना के चार दुना के आठ तरीके 24। अब इसमें आपको प्रोसेस क्या हुआ, काटते हुए आपको जाना पड़ा अंत तक, ये प्रोसेस लंबा है, आप चूंकि इससे अभ्यस्त हैं इसलिए आपको ये सरल लग रहा है। देखिए मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे इस मेथड से हम तेज लगाते हैं और इस मेथड से आसान, इस मेथड से आसानी से लगा लेते हैं, इस मेथड से लगाने में हमें समय ज्यादा लगता है। ये तो एक छोटा सा सवाल लिया जिसके माध्यम से मैं तीनों टाइप आपको समझा दिया, क्या कर दिया तीनों टाइप समझा दिया। अब मैं एक और सवाल लेता हूं और इन्हीं तीनों टाइप से लगाने की कोशिश करता हूं, और उसमें मैं उसके बाद जो बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे बिना पेन चलाए इनको हम लगा देते हैं। आइए जरा बात करते हैं उसके लिए। अब आइए दोस्तों, आपने देख लिया कि तीनों तरीकों से कैसे लगाया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूं, क्वेश्चन आपका होगा 12 16 18 12 16 और 18। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम तीनों तरीकों से लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे तो तीनों तरीके से कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे किससे हम तेज गति से लगा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपके तरीके से लगा देता हूं, इसको ऐसे काटने वाला, ठीक है। तो आप ऐसे काटते हैं, दो छठे बारह, दो अट्ठे सोलह, दो नौ अठारह, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, नाइन नहीं कटेगा, सेम टू सेम उतार दिया, थ्री नहीं कट रहा, टू टू जा फोर, नाइन नहीं कटा, सेम टू सेम, टू से थ्री वन नाइन हो गया। अब थ्री से काटने की कोशिश किया, वन वन थ्री हो गया, अब थ्री से काटा तो वन 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 आपने काट दिया। आप चूंकि अभ्यस्त है इससे, इसलिए आपने लिख लिया कि 12 16 18 का लस। जब आपने लिखा तो आपने गुणा कर लिया, दो गुणते दो, देख लिया आपने दो 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 तीन तीन, एक दो और था, एक दो तीन चार दो है, और तो दो दुना के चार दुना के आठ दुना के सोलह, तीन अड़तालीस, तीन 144 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए जरा दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरे तरीके से कौन लगाते हैं, फैक्टराइजेशन में, तो गुणनखंड से करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। अगर आपको आता है तो आप ऐसे कर लेते हैं, आपको नहीं आता है तो आप अलग से ऐसे काटेंगे, अलग अलग, टू सिक्स जा टू थ्री जा थ्री वन जा, और फिर लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री। उसी तरह 16 का करेंगे आप, मैं कर ले रहा हूं, तो दो दुना के चार दुना के आठ दुना के सोलह। उसी तरह 18 का भी कटेंगे, नहीं आएगा तो ऐसे काटेंगे आप और काट के आप करेंगे, बट अगर आपको आ रहा है तो आप कर सकते हैं, दो थ्री तिहाई छ थ्री अठारह, टू थ्री जा सिक्स थ्री जा एट, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको पावर के रूप में लिखेंगे, टू के पावर टू मल्टीप्लाई थ्री के पावर वन कर लिया, टू के पावर फोर कर लिया, और टू के पावर वन मल्टीप्लाई थ्री के पावर टू कर लिया, हो गया। अब आप क्या करने वाले, लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ किसका 12 16 18। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि हम जिस नंबर को पकड़ेंगे उसका तीनों में देखेंगे बड़ा पावर कौन है। तो हमने दो को पकड़ा तो दो का देखा, यहां पे दो पावर, यहां चार, यहां एक, तो चार पावर बड़ा है तो चार पावर पकड़ लिया। अब तीन को पकड़ा तो तीन का तीनों में, तीनों में रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका बड़ा पावर क्या है ये मतलब है। तो बड़ा पावर क्या, थ्री के पावर टू, तो ये हो गया। टू के पावर फोर का मान क्या होता है भाई, 16 होता है, और थ्री के पावर टू का मान क्या होता है, नाइन होता है। 16 था 9 जा 144,
इससे भी आपने निकाल लिया, आपको लग रहा होगा ना इससे टाइम लगा। देखिए मैं टाइम कैसे बचाऊंगा, अभी आप समझ नहीं गए, जब मुझबानी में लगाऊंगा तो यही मेथड मुझे काम आने वाला है, ये तो हमेशा ही ऐसे चलेगा, लेकिन ये अब बहुत तेज अभी हो सकता है। कैसे होगा मैं अगले क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन एक तरीका और जो बचा, पहला तरीका जो था आपका अपवर्त मेथड, उससे भी जरा आपको लगा दे और आप अभ्यस्त हो जाए कि तीनों तरीकों से कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं और किस तरीके का कहां पर उपयोग करेंगे, ये तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे तरीके से। दोस्तों तीसरा तरीका आपका जो रहा उसमें आपको 6 12 था तो 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 16 था 16 का टेबल, 18 है 18 का टेबल। तब तक ये टेबल हम पढ़ेंगे जब तक कि इनमें कोई एक नंबर काम नहीं आ जाए। ये है अपवर्त, किसका अपवर्त, जिसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ। चलिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ओके? चलिए एक छोड़ देते हैं, 10 तक कम से कम टेबल आपने लिख दिया, तो 16, 16, 32, 16, 48, 16, 14, 64, 16, 25, 80, 16, 56, 96, 16, 17, 112, 16, 18, 128, 16, 9, 144, 16, 10 में 160, ठीक? आगे चल देते हैं, 18 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180। लेकिन आपने टेबल तो 10 तक लिखा है, लेकिन उसके बाद भी तीनों में कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? तीनों में मिलना चाहिए भाई, तीनों में, दोनों में नहीं किसी दो में मिल जाए, तीनों में तो अभी तक कोई नंबर नहीं है। इनमें तो दिख रहा है कि 144 कॉमन है, इनमें तो और कुछ भी दिख जाएगा आपको, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो दिखा नहीं, इसलिए हम पहले वाले टेबल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो मिलेगा 132 और फिर मिल जाएगा 144। ध्यान दीजिएगा, 12 का पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 132 और फिर एक बार और पढ़ देंगे, मतलब 12 बार पढ़ देंगे, 12 का वर्ग 144, तब जाकर के कहीं आपको एक नंबर कॉमन मिलता नजर आ रहा है, वो भी 144। जैसे ही आपको कॉमन मिला तो आप कह देंगे कि क्या कह देंगे भाई, कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 16, 18 इज इक्वल टू क्या कहेंगे, 144। अब आपने क्या किया, कॉमन मल्टीपल निकाल लिया भाई, आपने निकाल लिया क्या, समापवर्त, इसी को कहते हैं ना समापवर्त। अब आपको चाहिए क्या, लघुत्तम समापवर्त, मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 144 निकाल दिया, मैंने बोला था पहला निकल जाए तो आगे ढूंढने की जरूरत, इसी का टेबल पढ़ लीजिए, 288 हो जाएगा। अगर एक बार और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 3 एकम 3, 432 डट डट डट। लेकिन भाई हमें एलसीएम में चाहिए लोवेस्ट, तो लोवेस्ट है 140, इससे लिए आंसर आपका 144 है। आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि एलसीएम निकाल रहा है, चाहे जिस मेथड से निकाला आंसर तो सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर जब सेम आ गया हर मेथड से आपको, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मेथड कठिन। आपको लग रहा होगा जो मेथड कठिन है वही मेथड आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और तीनों मेथड से लगा के आपको फिर से एक बार बताते हैं, और इस बार स्पीड के साथ बताते हैं कैसे मुझबानी आंसर देंगे। इसको आप नोट करें, मैं नेक्स्ट आता हूं। हाँ दोस्तों, तो अब जो हम बात करने वाले हैं, बात ये करने वाले हैं कि किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं और उससे बात करते हैं कि कैसे हम तेज गति से लगा पाएंगे और कौन सा इन तीनों में मेथड है जो हमको सवाल को तेज गति से लगवा सकता है। तो अब मैं थोड़ी सी प्यार से आपसे बात करने वाला हूं। जैसे देखिए यहां पर छोटे नंबर, यहां तक ये टेबल आप जानते हैं, जैसे 20 तक टेबल आपको लगा, लर्न ही तो लर्न करो भाई, कब करोगे, अब तो जा रहे हो नौकरी लेने यार, अब तो याद कर लो आप, अब तो बहुत जरूरी है। हाँ, अब नहीं याद करोगे तो कभी याद करोगे आप, याद करो, 20 तक टेबल लर्न करना ही पड़ेगा आपको, उसको लर्न करिए तभी ये आसान होगा। तो क्या होगा, जैसे 20 तक के अंदर कहीं आ जा भिन्न का जोड़, 1/8 + 1/12 + 1/16 या जा,
आसक्ता, इसको जोड़ने के इसका मतलब आपको 8 12 16 का एलसीएम निकालना होगा या नहीं निकालना होगा, निकालना होगा एलसीएम, क्योंकि इसको लगाना है तो एलसीएम निकालना। अब आइए जरा इसके एलसीएम को देखते हैं ध्यान से। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले और उनके एलसीएम की बात किया जाए तो जो बड़ा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, हम मेथड किसका यूज करेंगे आपको पता नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं तीनों में से एक मेथड यूज कर रहा हूं। कौन सा मेथड? इनमें जो बड़ा नंबर है, इनमें जो बड़ा नंबर है, कौन बड़ा नंबर है? 16 को आप पकड़ेंगे, क्या करेंगे? 16 को आप पकड़ेंगे और उसका टेबल पढ़ना चालू करेंगे। कैसे करेंगे? 16 के 16, 16 है दूनी 32, 16 दूनी 32। जब टेबल पढ़ते जाएंगे तो पीछे के नंबरों को याद करेंगे। 16 एक कम 16 आपने पढ़ा तो 16 8 से कट रहा है, बट 12 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, तो अब 8 की चिंता छोड़ दो। इसका मतलब 16 का टेबल चाहे जितना बार पढ़ेंगे 8 से तो वो हमेशा कटेगा, लेकिन अब मुझे ध्यान देना है कि 16 के टेबल में अब वो नंबर कब आएगा जो 12 से भी कटेगा, वो नंबर कब आएगा जो 12 से भी कटेगा। जैसे 16 एक कम 16, 8 के बारे में नहीं सोचना है, 12 के बारे में, तो 16 12 से कटता नहीं, 16 दूना के 32, 32 12 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 16 तिया 48, 12 से कट गया 48, 12 से कट गया 48, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48, हमारा आंसर क्या हो गया? 48। ये देखो एलसीएम, एलसीएम बताओ ये कौन सा मेथड रहा हमारा जिससे हमने 48 आंसर तुरंत ला दिया। प्रभु पता चला आपको कौन सा मेथड है? ये मेथड आपका था मल्टीपल मेथड, जो पहला तरीका मैंने सिखाया था जिसमें लिखा था मैंने 8 का टेबल लिखिए, 12 का टेबल लिखा आपने, 16 के अपवर्त लिखे, 8 के अपवर्त, 12 के अपवर्त, 16 के अपवर्त, फिर उनमें कॉमन डूड़ा पहला कम मिल रहा था, याद आ रहा है आपको? उसी मेथड से मैंने देखो आंसर ला दिया। और आपका जो मेथड है 8 12 16 उसमें तो आप हमेशा ऐसे काटोगे ही काटोगे, तो काटना ही पड़ेगा, इसमें तेजी आप कोई ला ही नहीं सकते, लेकिन इसमें देखो आपने तेजी ला दिया। अभी देखो अभी अभी और तेजी हम लाते हैं, कैसे लाते हैं थोड़ा ध्यान दो। ये रहा, और आपसे पूछा जा सकता है, और आपके छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं जैसे 6 आ जा, 12 आ जा, 24 आ जा। अब ध्यान दे रो, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ये 24 हमारा बड़ा नंबर पकड़ लो, 6 से भाग दो कट जा रहा, 12 से भी कट जा रहा, एलसीएम हो गया यार, एलसीएम, ये आंसर, एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं, एलसीएम आ गया। आ जाओ और देख लो, जैसे मान लो 5 आ गया या 15 आ गया, 20 आ गया, और मान लो यहाँ पे आपका 30 आ गया, क्या गया? 15 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। देखो ये नंबर, ये भी अभी भी आसान है, देखो अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 से 30 कट रहा है, लेकिन 15 के बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना? 20 के बारे में। 30 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें या 30 के टेबल में वो नंबर कब आएगा जो 20 से कट जाएगा? तो 30 दूना के 60, 60 20 से कटता है भाई, 60 20 से कटता है, 20 दिया ही 60, 15 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 30 से कट रहा है। अब समझ में आया? अब स्पीड समझ में आ रही है? कोई भी ले लो ना, आप छोटे ले लो, 4 8 12 ले लो, इसका एलसीएम निकालने के लिए गए 4 8 12, 4 से भाग दिया 12 तो कट रहा है, लेकिन 8 से 12 नहीं कट रहा, तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 दुना के 24, 24 8 से कटता, आंसर है एलसीएम। ये सब एलसीएम है आपका, ये सब एलसीएम आ रहे हैं इनके, देखा? तो ऐसे नंबर रहे इसमें, वो नंबर जो इतने हैं छोटे हैं कि उनके टेबल आप जानते हो, तो आपने ऐसे लगा लिया फटाफट। आपको उस मेथड की जरूरत है क्या? आपको लाइन खाच के काटने की जरूरत है क्या? ये अभी देखो, बड़े नंबर मिल जाए तब क्या करोगे? आप कहोगे सर बड़े नंबर मिल गया तो क्या करेंगे हम? आ जाओ बड़े नंबर में भी आ जाओ भाई, ये मुझबानी तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। अब थोड़ा सा जब बड़ा नंबर लेंगे, वो वाला मेथड तो आप जानते हो, अपना मेथड तो आप जानते हो, अब हमेशा उसमें काटना है पीटना है फिर गुणा करके आंसर लाना है, लेकिन ये गुणनखंड विधि था, इससे आप कुछ छोटे टाइप के क्वेश्चन उनका आंसर तुरंत दे सकते हो। आओ एक तरीका और सिखाया, उससे हम बड़े बड़े धुरंधरों को पटक देंगे। जैसे देखो 24 48 और मान लो यहां 60 है, क्या है? 24 48 और 60, क्या देख पाया? 24 48 और 60, ध्यान से देखना है। यहां पे आपको क्या करना है? फैक्टर, यहां पे क्या करना है? फैक्टर, फैक्टर आप लाइनिंग से मत मारो, क्या करोगे आप? लाइनिंग से फैक्टर अलग अलग करना है, बट लाइनिंग से मत मारो, पहले एक चीज का ध्यान दो इसको, क्या करो आप? एक चीज का ध्यान दो, इसमें बिरादरी ढूंढना, क्या ढूंढना? बिरादरी, मेरे शब्दों में आप बिरादरी ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? बिरादरी, कैसे? देखो एक दो की बिरादरी होती है, एक तीन की बिरादरी होगी, एक पांच की बिरादरी होगी, ठीक है, एक सात की बिरादरी होगी, ठीक है,
अब 11 की बिरादरी हो सकती है, 13 की बिरादरी हो सकती है, ये सब नंबर आपके बिरादरी में आएंगे। किसमें आएंगे? बिरादरी में आएंगे। कहने का मतलब ये नंबर आपके अभाज्य है। क्या देख रहे हैं? 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 2 की बिरादरी में कौन कौन आता है? 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 128। ये 2 की बिरादरी मतलब 2 के गुणनखंड में आते हैं, केवल इसमें 2 से ही ये बनते हैं। ऐसे नंबर सभी आ जाएंगे जो केवल 2 के गुणनखंड से, 2 के गुणज में आते हैं, केवल 2 के गुणा करने से वो बनते हैं। ठीक है, अब 3 में कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब 3 तो है ही है, 3 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब 3 तो है ही है। आप देखो क्या लिख दोगे, 9, 27, ठीक है, 81, ठीक है, 243, ये सब नंबर जो आएंगे 3 के गुण में। इसमें कौन आएगा? 5, 25, 125, 625, ये सब जो आएंगे 5 के बिरादरी में आएंगे। 7, 49, 343, ये सब 7 की बिरादरी है। 11, 121, 1331, ये सब इनके आते हैं। 13 और 169, और क्या 2197, 13 का घन होता है। ठीक है, ये बिरादरी समझ रहे हो आप? इस बात को यदि आप समझ रहे हो तो सवाल करना काफी आसान है। बिरादरी में तोड़ो, उस नंबर को देखो उसमें कितनी बिरादरी आती है। जैसे इस नंबर को तोड़ने की कोशिश करोगे आप बिरादरी की बात जब थोड़ी सी समझ पाओगे, अभी अभ्यास नहीं है ना तो दिक्कत होगी। अब इसको आप समझ पाओ तो 8, 3 की क्या कर दोगे? 24। 2 बिरादरी में तोड़ दिया, 8 की बिरादरी, 8 में कौन सी बिरादरी? 2 की, और ये 3, और कोई बिरादरी तो है नहीं। इसको तोड़ने के लिए जब गोगे, इसको तोड़ने के लिए जाओ तो 16 3 48, देखा 16 3 48, मैंने 2 की बिरादरी ढूंढ ली इसमें। और इसको जब तोड़ने के लिए मैं गया तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 बिरादरी आ जाएगी। कौन कौन बिरादरी आ जाएगी भाई? इसमें देखो 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 5 आ जाएगी। 4 3 12 25 60, गौर करो ध्यान से देखो भाई, 4 3 12 25 60। अगर बिरादरी में आप तोड़ पाए, देखो ये आंसर आ गया, इतना बड़ा सवाल था ना, लाइनिंग में तोड़ते ना। अगर इस चीज को आप समझ लो, इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेना, अगर आप कर लिए तो आंसर आ गया। अब 2 की इसमें सबसे बड़ी बिरादरी कौन है उसको पकड़ लो, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी कौन है? 3 ही है। 5 की और बिरादरी कौन है? और कोई बिरादरी है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे 16 5 80, 80 में 3 का गुणा कर लो, 240 आंसर। देखो हमेशा 2 और 5 जो होते हैं ना उनका गुणा पहले करते हैं, क्योंकि 0 प्लस हमने पढ़ाया है। आपको पता है कि जब 1, 2 और 1, 5 मिलता है तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसीलिए जिस पार्ट में 2 दिखे और जिस पार्ट में 5 दिखे उनका गुणा पहले कर लो, उसमें आपको 0 मिल जाएगा। और जब 0 मिल जाता है ना तो गुणा काफी आसान हो जाता है, क्योंकि 0 का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, 0 को तो हम लास्ट में रख देते हैं। तो हो जाएगा 8 3 24, यह क्या हो गया? 240। देखा, इतना बड़ा सवाल को हमने कितने आसानी से आंसर कर दिया, और लाइनें में खींच के आप काटते पीटते बहुत टाइम लगता। अभी देखो और चेक कर रहे हैं, इसके और सवाल लेते हैं, घबराओ नहीं, और सवाल ले रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं आप कैसे उड़ा देंगे। देखो दोस्तों, 2 और क्वेश्चन देखते हैं कैसे आसानी से उड़ा देते हैं। बिरादरी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो थोड़ा सा रुक के उस वीडियो के पास, वहां पे बार बार देखिएगा, उसके बाद आगे। जैसे देखिए इसमें पूरी की पूरी किसकी बिरादरी है? 2 की ही बिरादरी है। 64 किसकी बिरादरी होती है? 2 की, तो पूरा का पूरा 64 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 5 80, 16 5 6 क्या 80, 2 बिरादरी थी, दोनों बिरादरी ली थी। यहाँ पे देखिए कई बिरादरी नजर आ रही है क्या? कोई बिरादरी नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको समझ में आए तो देखिए 15 के पहाड़ में था, 15 8 120, तो 8 तो अकेले बिरादरी है, लेकिन 15 में 2 बिरादरी है, कौन कौन? 1 3 और 1 क्या 5, 1 3 और 1 5, तो 3 बिरादरी थी, तीनों के लिख दिया, पकड़ लीजिए 2 की बिरादरी 64 होगी। अब इससे बड़ा तो कोई होया नहीं, अब 5 पकड़ लिया और 3 पकड़ लिया। मैंने बोला था पहले इनका गुणा करेंगे, तो आप देखिए 5 चौक को 20 को सुनना हो जाएगा, 5 चौक को 20 को सुनना, 5 36 और 2 32, और इसके बाद 3 का गुणा कर लेते हैं। इसके बाद किसका गुणा? 3 का गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 3 6 और 3 3 9 960। देखा, चुटकी बजाते आंसर आएंगे भाई, चुटकी बजाते आंसर। देखना इसमें देखो, देखते हैं बिरादरी, इसमें देखो 15 5 75 होता है, क्योंकि 15 में बिरादरी 5 की, पकड़ो अभी 1 5 इधर भी है, इसका मतलब 25 3 75 इसको लिखे, तो 25 5 की बिरादरी होगी, 3 की बिरादरी। यहाँ पर देखो 4 गुणते 25, क्योंकि 5 की बिरादरी और 2 की बिरादरी। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा ये बिरादरी किसकी है? 5 की ही है। तो अब आ जाओ इसमें देख लो, सबसे 5 की बिरादरी 125 हो जाएगा, 2 की बिरादरी 4 हो गया और 3 की बिरादरी 3। आप देखो 4 से गुणा कर लो, 4 5 20 को सुनना,
चार गुना के आठ, कितना, चार गुना के आठ दो दस, चार एकम चार एक पांच, 500 हो गया, तीन का गुना कर लो, तीन पांच 1500, इतना बड़ा एलसीएम भाई देख लो चुटकियों में लगा दिया आपने। तो इनको समझो आप, इनको क्या करो आप समझो, ये मेथड आपके काम आने वाले हैं। मतलब आपने क्या किया, इस चैप्टर का बेस ही पढ़ लिया, ये चैप्टर एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम हमको निकालने पड़ते हैं, बकिया जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वर्ड बेस पे उनको समझना बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा, उसको समझ लोगे, बट एलसीएम लगाने में आप क्या लगते हो, टाइम लगाने लगते हो, गलतियां कर बैठते हो और सवाल आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए आज मैंने जो आपको सिखाया इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है और पूरी जिंदगी आएगा और बहुत सारे चैप्टरों में इनका उपयोग हम करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको जो सिखाया गया है कि मुंह जवानी बिना कलम उठाया पेन उठाया आपने एलसीएम निकाल के देखा होगा। तो अब नेक्स्ट जब क्लास में हम मिलेंगे तो इन पे आधारित हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और एचसीएफ पढ़ना है भी, एचसीएफ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एचसीएफ को भी बिना पेन उठाए उड़ा देंगे, एचसीएफ को तो और भी आसान तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।